हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है अपने पास वीवो वाई 20 फ़ोन। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वीवो वाई 20 की कैमरा सेटिंग किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैमरा सेटिंग ठीक करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरी इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो करते स्टार्ट। सो गाइस, कैमरा सेटिंग ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपना कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना है और गाइस इस तरीके से देखना है पहले। और गाइस, आपको सिंपली अपनी फोन की सेटिंग में चले जाना है। तो गाइस, आपको सिंपली अपनी फोन की सेटिंग में जाना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपने फोन की सेटिंग में चले जाता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप अपनी फोन की सेटिंग में जाओगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। जैसे ही आप नीचे की ओर जाओगे तो गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप का, आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम ऐप सेटिंग का, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पे गलत एप्लीकेशन पे बहुत गलत पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम ऐप सेटिंग, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर आपके फोन में यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बैक आ जाना है, आपको फिर से दूसरी वाली सेटिंग में जाना है। गाइस, अब दूसरी वाली सेटिंग में कौन से में जाना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मोर सेटिंग का, आपको सिंपली मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप मैनेजर का, आपको सिंपली ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और गाइस आपको यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन मिल चुका है। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली कैमरा एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे एक स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पे क्लियर चैट एंड क्लियर डाटा दोनों यहाँ पे कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियर चैट एंड क्लियर डाटा कर देना है। अब गाइस, मैं आपको बता दूँ क्लियर चैट एंड क्लियर डाटा से क्या होगा। गाइस, आपके फोन में जो भी सेटिंग ऑन ऑफ हो गई है, यहाँ पर कुछ वायरस है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो गाइस जैसे ही आप क्लियर चैट एंड क्लियर डाटा करोगे और गाइस आपको फोन से स्टॉप भी कर देना है। जैसे ही आप इन तीनों सेटिंग को करोगे तो गाइस आपकी जो कैमरा सेटिंग है वो बिल्कुल एक तरीके से रीस्टोर जाएंगी, नई की तरह वर्क करेंगी, जैसे आपने नया फोन लिया था उसी की तरह कैमरा सेटिंग वर्क करेंगी। तो गाइस, आप भी इसी तरीके से अपने फोन की कैमरा सेटिंग ठीक कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है